आयोजन अभिक्रिया। आप कहेंगे आप तो पढ़ाने लगे, अरे भाई मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तो समझा रहा हूं आपको कि पढ़ना कैसे, और मैं यहां आपको टेक्निक भी बताऊंगा कि कैसे बहुत सारे प्रश्नों को एक साथ तैयार करते हैं। जैसे संयोजन अभिक्रिया दिख रहा है आपको, संयोजन अभिक्रिया, ओके। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन, संयोजन मतलब क्या हुआ, जुड़ना। क्या हुआ संयोजन का मतलब, जुड़ना। कौन जुड़ता है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया में इधर कौन होते हैं, सिंपल सी बात ध्यान देना, इधर कौन होते हैं क्रियाकारक, इधर कौन होते हैं उत्पाद, जिसको हम क्रियाफल कहते हैं। तो संयोजन में क्या होता है कि ज्यादा क्रियाकारक रहते हैं, जुड़ जाते हैं, एक उत्पाद बना देते हैं, है ना, तो एक क्रियाफल बना देते हैं, या यूं भी कह सकते हैं अपन कि एक यौगिक बना देते हैं। तो दो या दो से अधिक अभिकारक अगर जुड़े, अभिकर्मक अगर जुड़ते हैं और वो एक बना दे, है ना, तो वो हो गया संयोजन। संयोजन मतलब जुड़ना, संयोजन मतलब जुड़ना। तो हमने कहा कि दो या अधिक वो शॉर्ट में अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना दे, ये कौन सी अभिक्रिया हो गई आपकी, संयोजन अभिक्रिया। क्या हुआ, संयोजन अभिक्रिया। चलिए, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाए। अब देखिए इसमें मैं बहुत महत्वपूर्ण बात, आपके अभी क्वेश्चन दिमाग में बताइए, है ना, सारे प्रश्नों के जवाब अगले दो तीन दिन में दूंगा, मैं आज भी दूंगा कुछ क्वेश्चंस के, अभी इस पर बात नहीं करेंगे, है ना। आपके सवाल मैं सब पढ़ रहा हूं, सवाल सब है मेरे सामने, लेकिन अभी आपको मैं जो बता रहा हूं उसको देखिए आप। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना दे तो संयोजन। अब ये केवल संयोजन नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना कैसे, देखिएगा इसमें आप उदाहरण देना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना, उसमें मिलाया आपने पानी, है ना, पानी के अंदर क्या डाला आपने, बिना बुझा चूना, है ना। अरे भाई पुताई करने के लिए लाते हैं कि नहीं लाते हैं, तो पानी है, पानी के अंदर आपने बिना बुझा चूना डाल दिया। अब देखिए ये बुझ जाएगा, बुझेगा तो ये बन जाएगा CaOH twice। देखो आप सब जोड़ देना, CA और O और O दो हो गए और H भी दो हो गए, तो OH करके पीछे कर देना और यहां लिखना ऊष्मा। ये हो गई आपकी संयोजन अभिक्रिया। अब एक बहुत मजेदार बात जो हुई है वो ये हुई कि ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन, क्योंकि देखो दो दो मिलके एक बनाया तो हो गई संयोजन, दो ने मिलके एक बना दिया ना, CaO, ऐसे पढ़ते हैं इसको, CaO plus H2O, है ना, CaOH twice plus ऊष्मा। अब देखिए इसमें इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं, ये जो संयोजन अभिक्रिया है ये आपकी ऊष्माक्षेपी भी है, ये ऊष्माक्षेपी का उदाहरण भी हो गया, ये उदाहरण ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है। दो प्रश्न हो गए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, दो प्रश्न हो गए, ऊष्मा निकलती, अभी मैं तीसरा भी बताऊंगा इसमें, ये हो गया आपकी ऊष्मा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कितने प्रश्न हो गए, दो हो गए, उदाहरण यही वाला दे देना आप ऊष्माक्षेपी में, है ना, CaO plus H2O, CaOH twice plus। अब नेक्स्ट देखना, यहां पर एक कोई पदार्थ, देखिए एक प्रश्न है आपके कोर्स में कि एक पदार्थ X है, कौन है वो पदार्थ X, इस X के विलयन का उपयोग है ना, ये पदार्थ है X, इसका उपयोग सफेदी में होता है, ये तीसरा प्रश्न हो रहा बेटा, ये एक ही हो गया, देखिए तीसरा, ये देखिए संयोजन, ये आपका ऊष्माक्षेपी और ये तीसरा प्रश्न, और एक ही समीकरण से बताऊंगा, सफेदी में होता है, उसका नाम और जल से अभिक्रिया। मजेदार बात होगी, देखो आप ये बोर्ड पे लिखा है जल से क्रिया। अब एक पदार्थ है ना एक्स के विलयन का, ये एक्स हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक्स हो गया, एक्स बराबर हो गया CaO, खत्म। अब इसके विलयन का उपयोग, इसका होता सफेदी में, मतलब सफेदी में इसका उपयोग होता है। अब उसकी जल से क्रिया लिखना है, इसकी जल से क्रिया, तो यही समीकरण यहां वापस लिखना है, यही वाली CaO plus H2O CaOH twice plus ऊष्मा,
ये आपके तीन प्रश्न हो गए भैया, संयोजन अभिक्रिया से ही तीन प्रश्नों के उत्तर हो गए, है ना। क्या हुआ, संयोजन दो या दो से अधिक अभिकारक मिले, एक उत्पाद बनाया, एक बनाया, ऊष्मा निकली तो ऊष्माक्षेपी भी हो गई। और तीसरी बात कि इसके कोई पदार्थ एक्स है, उसके विलयन का सफेदी में उपयोग होता है। भैया यही तो करते हैं, पानी लेते हैं और पानी लेते हैं बाजार से CaO लाते हैं, बिना बुझा चुना कैल्शियम ऑक्साइड लाके पानी में डाल देते हैं तो बुझ जाता है, ये बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो ये बुझा हुआ चूना है, और इसी का अपन सफेदी में उपयोग करते हैं। तो सफेदी में इसका उपयोग करते हैं, लेकिन वो पूछ रहा है कि एक्स के विलयन का करते हैं तो एक्स का नाम बताओ, तो ये एक्स हो रहा CaO। अब उसने कहा CaO की जल से क्रिया बताओ, तो ये जल से क्रिया हो गई। तो तीन प्रश्न हो गए ना एक साथ, कितने हो गए, तीन। अब मैं अगला जो ले रहा हूं आपका, ये चौथी बात ले रहा हूं मैं, वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए ये मैंने छोटा प्रश्न भी उड़ा दिया, इसमें दो नंबर का भी कर दिया और तीन नंबर का भी कर दिया संयोजन में। आप संयोजन से तीन में से एक क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है आपको, तो यहां आपकी इसमें या तो आपकी किस्मत है कहां से मिलेगा, ठीक है। अब वियोजन में आ जाओ, वियोजन में क्या देखिए, इसका उल्टा कर दो, है ना। एक एक ही, एक ही है, एक टूटेगा, पहले दो जुड़ के एक बना था, अब एक यौगिक रहेगा, एक यौगिक टूटेगा और दो या अधिक उत्पाद बनाएगा। अगर आपको कोई शब्द नहीं समझ में आया ना तो आप सीधे ये क्रिया कारक और ये सब चीजें नहीं समझ में आया तो यौगिक बोलना। एक यौगिक टूटा, है ना, वियोजन हुआ, वियोजन मतलब टूटना, और दो या अधिक उत्पाद बनाएगा। उल्टा इसका, इसमें दो या अधिक मिलकर एक बनाया ना, इसको एक को तोड़ो, ये थोड़ा सा, ये थोड़ा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा, तोड़ने के लिए क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो ये दे दी ऊष्मा, है ना, ये त्रिभुज का निशान नहीं तो आप लिख देना यहां ऊष्मा, ये ऊष्मा दी। अब देखो तोड़ो इसको, दो टुकड़े करो तो ये बन जाएगा CaO, इसमें से ऑक्सीजन कम कर दो, अब यहां क्या बचा CaO, इसमें से कम हो गया, अब क्या बचा देखो CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपने ऊष्मा अपनी तरफ से दी है इसको, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्मा शोषी भी हो गई, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी में क्या हो गया बताओ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, इसमें तो निकलती थी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ली जाती है, उसमें दी जाती है, इसमें ली जाती है, सिंपल वर्ड में भी लिख सकते हो, ली जाती है और दी जाती है, तो इसमें ली जाती है, ली और ये हो गई। अभी आपके दो प्रश्न, ये भी हो गया एक प्रश्न, अब वियोजन के भी दो प्रश्न हो गए आपके। वियोजन मतलब वियोजन का उदाहरण आप ऊष्मा शोषी में ले लो, वियोजन का काम भी कंप्लीट, और मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट कर लेना बहुत बेहतर होगा, तो आपका काम हो जाएगा। मैं अगले प्रश्न पर आने वाला हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट दो अभिक्रिया अगर अपन ने और कर ली तो अपना बहुत सारा काम हो जाएगा, और इस चैप्टर को मैं समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं, पांच क्वेश्चन होगा यहां इतनी सी जगह में, अगर आपने अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लिया आप फुल मार्क्स लेकर आने वाले हैं, दो नंबर या तीन नंबर का क्वेश्चन इन्हीं में से बनेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप बाद में भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिटा दें, बहुत सारे हैं उदाहरण, तो मेरे को तो वो उदाहरण लेना है। सुनो बेटा, अब आपने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं संयोजन के और उदाहरण भी बता देता, संयोजन में बहुत उदाहरण है बेटा, है ना। अभी आप कहेंगे कि मैग्नीशियम रिबिन के दहन वाला उदाहरण दे दो, संयोजन में 2Mg+O2 2MgO, है ना, वो संयोजन के उदाहरण है, लेकिन मैंने तो उसको 3-in-1 बनाया है कि तीन क्वेश्चन का अगर एक ही आंसर बनाना है तो फिर ये उदाहरण याद करके चले जाना, तो तीन क्वेश्चन की जगह काम आ जाएगा, संयोजन में भी काम आ जाएगा, ऊष्माक्षेपी में भी काम आ जाएगा, और एक पदार्थ एक्स के विलयन का सफेदी में भी काम आ जाएगा। वियोजन के दो करोगे, वियोजन का एक करोगे, CaCO3 को तोड़ोगे तो वियोजन में भी काम आएगा और ऊष्मा शोषी में भी काम आ जाएगा। अब मैं नेक्स्ट आपका ले रहा हूं विस्थापन अभिक्रिया, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए विस्थापन अभिक्रिया देखना, विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में एक बार क्या हुआ, बड़ी मजेदार बात हुई थी, एग्जाम में पूछ लिया कि बताइए कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है। लड़के बोले सर हम तो संयोजन याद करके गए, नहीं वहां तो विपरीत आ गया हमको, तो मैंने कहा संयोजन याद था, बोले हाँ, वियोजन याद था, बोले हाँ, तो मैंने कहा फिर दोनों लिख देते,
तो सर उससे क्या होता, मैंने अपने आप विपरीत हो जाती। अरे संयोजन में दो जो है, दो मिलके एक बना रहे हैं, और वियोजन में एक टूट के दो बना रहा, तो हो गया ना विपरीत, अपने आप ही हो जाएगा वो, तो जो कोई करने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, है ना। दोनों को लिख दो आप, तो वो अपने आप विपरीत हो जाएगी। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन मतलब ये होता है कि जैसे अपन खो खो के खेल में होता है ना, कि कोई दौड़ता हुआ आता है और उसको खो देता है ना, मतलब किसी को वहां से हटाना है, विस्थापित कर देना है। और ये विस्थापन अभिक्रिया का, और एक एक होता है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। अब जैसे एक द्विविस्थापन शब्द, दोनों एक साथ बता देता हूं, चलो दोनों बता देता हूं। देखो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखो ना, तो पहले तो ये फिक्स लिखो, एसी अभिक्रिया, ताकि आपको याद आ जाए स्टार्ट कहां से करना है, एसी अभिक्रिया, है ना। वो कैसी अभिक्रिया वो आप बाद में बताओगे, शुरुआत यहीं से करो, एसी अभिक्रिया। अब विस्थापन में देखना आप क्या होता है ना, मैं उदाहरण से बताता हूं आपको विस्थापन। ये लोहे की कील है, एफी, जानते सभी लोहे को, ये लोहा है ना। देखो ज्यादा मत, अभी ये पहला पार्ट थोड़ा सा भारी पड़ रहा है आपको, लेकिन करना तो पड़ेगा। सेकंड और थर्ड में कुछ नहीं है, सेकंड में चार नंबर के क्वेश्चन में भी बताने वाला हूं आपको, और थर्ड के अंदर तो दो नंबर का क्वेश्चन आपको सामने मालूम है, इसलिए कोई बड़ी भारी बात नहीं है। थर्ड में तो ऑब्जेक्टिव करना है ज्यादा, है ना, धातु अधातु में ज्यादा ऑब्जेक्टिव करना। अब देखो ऐसी अभी, देखो इसमें लोहा है, और ये आपने लिया कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट, है ना। अब ये देखो ये दोनों, अब ये क्या हुआ कि लोहे की कील को आपने कॉपर सल्फेट में डुबाया, अब ये देखो विस्थापन हो गया, ये कॉपर सल्फेट में आपने डुबाया, डुबो दिया आपने। अब ये क्या करेगा, विस्थापित करेगा इसको, किसको, इस कॉपर को कहेगा भैया जी हटो, हम बैठेंगे आपकी जगह, समझ में आ रहा है क्या हुआ। देखो ये जो एफी है ना, ये इसको क्या करेगा, विस्थापित करेगा, हटाएगा इसको, बोले यार भैया आपको हटना पड़ेगा यार, हम आपको विस्थापित करेंगे, ये विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें क्या हुआ, देखो ये क्या होगा, FeSO4 हो जाएगा, है ना, ये एफी यहां बैठी है, क्या हो गया है FeSO4, और ये Cu आपका अलग हो गया, ये FeSO4 प्लस Cu, मतलब आपने क्या किया, देखो आप एक बर्तन में आपने लिया कॉपर सल्फेट CuSO4, आपने क्या करा, ये लोहे की कील थी एफी की, ये इसके अंदर डाल दी, ठीक है। अब आपका लोहे की कील जैसे आपने इसमें डाली, तो इस कील के ऊपर ये कॉपर जम जाएगा, क्योंकि बेचारा कॉपर को ये हटा देगा, ये इसकी जगह बैठ जाएगा, तो ये FeSO4 हो जाएगा। तो अब देखो अंदर क्या बन गया, देखो आप ये कील पे तो क्या होगा, ये कील पे कौन जम गया, कॉपर, और अंदर बैठ गया FeSO4, ये देखो आप अंदर कौन बैठ गया, FeSO4, कॉपर जम गया कील पे। अब इसमें हुआ क्या, ये आपका हो गया ऐसी अभिक्रिया जिसमें देखिए इसकी परिभाषा बता रहा हूं मैं आपको, और परिभाषा याद करना सिखा रहा हूं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को, एक तत्व कौन है, एफी कॉपर आयरन लोहा, दूसरे तत्व कॉपर को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, ये यौगिक है, इसके यौगिक में से हटा देता है, तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन। विस्थापन मतलब हटाना, विस्थापित करना, आपको हटाना नहीं आया, विस्थापित करना। तो एक तत्व, ये तत्व है, ये दूसरा तत्व है, इसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है। क्यों विस्थापित कर देता है, कारण क्या है कि ये ज्यादा सक्रिय है इसे, तो ये कहेगा अच्छा अच्छा तू उसके साथ बैठा है, मैं आता हूं अभी, और ज्यादा सक्रिय है तो उसको कहेगा भैया अपनी सक्रियता ज्यादा है, फ्रेंडशिप अपनी ज्यादा है, हटा इसको, तो हटा देगा उसको, उसकी दोस्ती बन जाएगी, तो यहां उसकी FeSO4 बन गया, उसका पर हटा दिया, तो कील पे जाके जमा हो जाएगा। अब यहां पे क्या हुआ, एक प्रश्न आपके इसमें बहुत छोटा सा प्रश्न है जो दो नंबर में पूछा जा सकता है, सुनिएगा प्रश्न को, और इससे 2-in-1 बना रहा हूं मैं, कि लोहे की कील को, सुनना प्रश्न, लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। कॉपर सल्फेट तो आपका नीला होता है, ये नीले रंग का होता है कॉपर सल्फेट, ये नीला होता है कॉपर सल्फेट, ये नीला होता है। आप लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में विलयन का रंग बदल जाता है, तो आप समझ जाना है विस्थापन अभिक्रिया की बात हो रही है, मतलब आप लिखना कि ऐसा FeSO4 के बनने के कारण होता है, और ये FeSO4 का जो कलर है वो ग्रीनिश है, हल्का हरा, कौन सा कलर है, ग्रीनिश। तो वो जो आपका नीला कलर था कॉपर सल्फेट का विलयन का, परख वाली जो नीली थी कील, जब डुबो देंगे तो नीली की जगह हो जाएगी हल्की हरी, और किसके कारण हुई हो, FeSO4 के बनने कारण। ये आपका दो नंबर का क्वेश्चन और हो गया, कि लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा जाता है तो उसका रंग क्यों बदल जाता है। तो आपको विस्थापन अभिक्रिया लिखना है वहां पे, कि लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा जाता है तो आयरन सल्फेट या लोह सल्फेट बनता है, और उसके कारण क्या होता है, वो विलयन का जो नीला रंग है वो क्या हो जाता है, ग्रीनिश या हल्का
हरा हो जाता है। तो आपका ये दो नंबर का क्वेश्चन इसके साथ भी हो गया, ये आपकी किताब में लिखा है क्वेश्चन, है ना, प्रश्न में लिखा है। अब द्विवेश स्थापन में देखो, या फिर वही बात एसी अभिक्रिया, इसमें सिंपल लिख देना कि आयनों का आदान प्रदान होता है, एसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आदान और प्रदान दोनों है भैया। इसमें क्या था, सिर्फ आदान था, प्रदान नहीं था, इसमें आदान भी होगा और प्रदान भी होगा। आदान प्रदान कैसे होगा, वो कहेगा भैया अगर आप मेरी जगह आ रहे हो तो फिर मैं आपकी जगह जाऊंगा, ये है आदान प्रदान। तो फिर ऐसे ऐसे आप देखो आदान प्रदान में देखेंगे अपन, थोड़ा सिंपल वाला एग्जांपल उठा लेते हैं आदान प्रदान में, बेरियम क्लोराइड ले लो, ये तो रखूंगा मैं हर जगह ताकि आपको याद रहे, कॉपर सल्फेट। तो देखिए बेरियम क्लोराइड लिया और इसमें कॉपर सल्फेट मिलाया, ये हम आदान प्रदान करेंगे, ये भैया जी एक यौगिक दूसरा यौगिक, यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, आदान प्रदान करो, इसको कहो आप यहां बैठ जाओ और इसको कहो आप यहां बैठ जाओ, खत्म हो गया आदान प्रदान। देखो क्या बन जाएगा ये BaSO4, अरे यहां बैठ गया और इसको कहो यहां बैठ जाए, ये बन गया CuCl2, ये हो गया आदान प्रदान, हो गई द्विवेश स्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, दो बार धक्का मुक्की हुई। उसने कहा मैं आऊंगा तो फिर भैया मैं अगर यहां आया तो फिर ये कह रहा है फिर मैं तेरी जगह चला जाऊंगा, तो बोला चल चल चला जा, तो ये हो गई द्विवेश स्थापन, आयनों का आदान प्रदान। उसने कहा देख बेरियम ने इसको पहले कापर को समझाया कि देख भैया मैं तेरी जगह आने वाला हूं, बस समझ जाना, तो बोले तू आगे दिखा मैं तेरी जगह चला जाऊंगा, ये इधर आया ये उधर पहुंच गया, तो ये हो गया आपका आयनों का आदान। देखो ये यहां आ गया, ये वाला ये यहां आ गया BaSO अगर आपको, और ये कहां चला गया, ये चला गया CuCl2, ये देखो ये देखो हो गया आयनों का आदान प्रदान। तो यहां आयनों का आदान प्रदान हुआ, और यहां क्या हुआ विस्थापन में केवल एक बार ही हुआ, वो उसकी जगह जाके बैठ गया और उसको भगा दिया, है ना, देखो FeSO4 हो गया उसको भगा दिया कापर, और FeSO4 बनने के कारण ये नीला रंग क्या हो गया, हरा हो गया। तो ये एक प्रश्न और रेडी हो जाएगा आपका, चलिए आगे बढ़ते। तो ये चार अभिक्रियाएं आप पक्की पक्की बिल्कुल करके जाओ अभी सबसे पहली फेज में, तो मेरी नजर में है ना, फिर सेकंड फेज में जब रिविजन पे आओ तो एक दो और बढ़ा लेना, अभी विस्थापन द्विविस्थापन है ना, और आपकी कौन सी हो गई संयोजन के साथ आप याद कर लेना ऊष्मा क्षेपी, और वियोजन के साथ ऊष्मा शोषी, तो आपकी छह अभिक्रियाएं हो जाएगी। और उसके साथ दो छोटे छोटे प्रश्न भी बता दिए मैंने, कौन कौन से, कि एक विलयन के एक्स का सफेदी में उपयोग वाला, और एक ही आपका इसमें कॉपर सल्फेट में लोहे की कील डूबने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, प्रश्न करके जाना आपने, है ना। चलिए आगे बढ़ते, अब मैं आपको और थोड़ी सरल तरफ ले जाता हूं, है ना, अब सरलता आ गई भैया, अब आप कहोगे साहब ये तो बहुत आपने समीकरण बता दिया, अब समीकरण नहीं बताऊंगा, बस बात खत्म हुई, चलो समीकरणों का मेरे सामने आप किसी ने नाम लिया उसकी खैर नहीं, चलो ठीक है, अब समीकरणों की बात नहीं होगी, कोई नहीं लेगा समीकरणों का नाम, चलो अभी नहीं लेंगे, बात ही नहीं करना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है विकृत गंधिता, ये दो नंबर में भैया जी, विकृत गंधिता दो नंबर में, विकृत गंधिता, अब नाम देखो सुनो, जैसे ही परीक्षा में आए विकृत गंधिता तो मुंह बिगाड़ना, विकृत गंधिता हो गया काम खत्म। मतलब क्या हुआ, विकृत गंधिता का मतलब समझ में आ गया, अरे तेल चढ़ी हुई सेव देखी कि नहीं देखी है, वही है विकृत गंधिता। तेल वाले जो पदार्थ होते हैं जिनमें तेल होता है जिनमें वसा होती है ना, अगर आप उनको लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ दो, सेव ले जाना एक थैली में सेव भर के ना बाहर रख दो घर के घर में, वहां ऊपर कहीं खुले में कहीं अलमारी में, और फिर देखो दो चार दिन बाद क्या एक दिन में देख लेना, वो पूरा कागज नीचे तेल का हो जाएगा, तो क्या हो गया, और थोड़े दो तीन चार दिन बाद देखोगे तो आपको स्मेल आने लग जाएगी, उसमें ऐसी स्मेल के आप खाओगे नहीं, तो क्या हुआ गंध भी बदल गया स्वाद भी बदल जाएगा। तो क्या हुआ विकृत गंधिता का मतलब हुआ तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ। अब क्या होता है मालूम आपको, कि आपको क्या है कि ये याद करना पड़ा, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ, तो उसमें क्या होता है फिर आप क्या हो? और सब याद करना पड़ता है, नहीं तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ का मतलब है वो सेव जो दुकान से आप खरीद के लाते हो वही है तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ, समझ गए, या जैसे बादाम वगैरह जो लंबे समय तक पड़ी रह जाती तो हीक मारती स्वाद गंध बदल जाता उसका, तो तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ अगर लंबे समय तक रह गए खुले तो उनके उनका उनके साथ क्या होता है विचारों के साथ, उनका गंध भी बदल जाती है और उनका स्वाद भी बदल जाता है, मतलब बिगड़ जाता है, गंध और स्वाद दोनों बिगड़ गए, इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। यार भाई साहब ऐसा क्या हो गया यार खुला छोड़ने पर कि वो गंध और स्वाद दोनों बदल गए, बताओ जरा,
भाई एक पुड़की में, ये यहाँ देखो आप, ये एक पुड़की में सेव पड़ी थी, ये सेव पड़ी थी, अभी सेव में ऐसा क्या हो गया कि ये इसका गंध और स्वाद दोनों बदल गए? किसके कारण बदले गंध और स्वाद? किसके कारण बदले? कौन सी गैस थी वायुमंडल में जिसने गंध और स्वाद दोनों बदल दिए? वो गैस थी आपकी ऑक्सीजन, उसने ऑक्सीकरण कर दिया इसका और गंध और स्वाद दोनों बदल दिया। समझ गए? तो क्या हो गया, गंध और स्वाद बदलने का कारण क्या है कि इनका ऑक्सीकरण हो गया, जिसको कहते हैं आप उपचयन भी बोलते हैं, ये गंध और स्वाद दोनों बदल जाएंगे। अब अगर इसको रोकना है तो क्या करें साहब? अरे यार भैया क्या रोकना है, जब तुमने कह दिया खुला खुला छोड़ा तुमने तो बदला ना, मत छोड़ो खुला। क्या करोगे फिर? एयर टाइट कंटेनर में बंद कर दो, एक ऑक्सीकरण हो रहा है तो प्रति ऑक्सीकारक मिला दो तो भी हो जाएगा, है ना। मतलब उस गंध का, गंध और स्वाद को अगर आपको लंबे, मतलब आपको अगर उसको सेवन को लंबे समय तक चलाना है, रेफ्रिजरेटर में रख दो, फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रखने से भी क्या होगा, वो आपने उसको बंद कर दिया, टेम्परेचर भी आपने कर दिया है, तो फिर क्या होगा, वो उसका गंध और स्वाद नहीं बदलेगा। तो इसमें आप बता सकते हैं कि उसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए मैं कुछ उपाय बता देता हूं आपको। देखो उसको रोकने के लिए उपाय तो है कि एयर टाइट कंटेनर में, एयर टाइट बर्तन में रख दो, कंटेनर बोलूंगा गड़बड़ होगी, एयर टाइट बर्तन कर दो। दूसरी बात, प्रति ऑक्सीकारक मिला दो, क्योंकि ऑक्सीकरण हो रहा है तो प्रति ऑक्सीकारक मिला लो। अरे अचार वचार जो रहते हैं ना इसमें मिलाते हैं, मम्मी से पूछना, नहीं तो फुल्लन वगैरह मार जाता है अचार, पूछ लेना घर पे जाके। तीसरा है कि इसमें एक जो महत्वपूर्ण तीसरी बात है वो है कि इसको नाइट्रोजन से प्रभावित कर दो, नाइट्रोजन से प्रभावित कर दो। अब यहां से फिर एक दो नंबर का क्वेश्चन बन गया भैया जी कि नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं? अमेरिका नाइट्रोजन से प्रभावित करते क्यों करते हैं? कुरकुरे का पैकेट लाते हो ना, यह फुला हुआ और जरा सी पीन लगी, कितना कुरकुरा, इतना सा, लेकिन कौन सी गैस भरी थी उसमें? भरी थी नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस क्यों भरी साहब कुरकुरे के अंदर? इसलिए भरी कि वो नाइट्रोजन ने ऑक्सीकरण नहीं होने दिया, वो आसपास की जो ऑक्सीजन थी ना उसको कह दिया भैया मैं अक्रिय गैस हूं, हाँ मेरे को कोई क्रिया फ्रिया नहीं करना और आप अंदर नहीं आओगे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं? तो आप बोलना कि विकृत गंधिता को रोकने के लिए, बहुत सरल बात तो ये कर लेना कि विकृत गंधिता को रोकने के लिए, ठीक है। अब कैसे रोकेगा? क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, ये उस जो सेव वगैरह जो सामग्री उसके आसपास एक अक्रिय वातावरण बना देती है, ऑक्सीजन आ नहीं पाती क्रिया करने के लिए, इसलिए उसकी विकृत गंधिता नहीं हो पाती। तो ये आपका एक क्वेश्चन यहां रेडी हो जाएगा भैया। तो ये है आपकी विकृत गंधिता, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना, कि विकृत गंधिता और नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं। ये दो नंबर का है, इसमें छोटा सा पूछेंगे विकृत गंधिता क्या है, या विकृत गंधिता रोकने के दो उपाय, या नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं, बस तीन क्वेश्चन, ओनली तीन। अब देखिए इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, वो है संक्षारण। क्या है? संक्षारण, संक्षारण ये तीसरे में भी काम आएगा, यहां भी काम आएगा, तीसरे में भी काम आ जाएगा, तीसरे में दो नंबर का प्रश्न बनाएगा और यहां भी दो या तीन का बना देगा। तो संक्षारण समझ लेने में कोई बुराई नहीं है, संक्षारण ये आपका पहले पहले चैप्टर में भी है और तीसरे में भी है, तीसरे में दो नंबर में आ सकता है, यहां भी दो नंबर में आ सकता है। संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु होती है जैसे लोहा है, ये धातु है ना, ये धातु है, बारिश के दिनों में देखा है इसको, बाहर अगर पड़ी रह जाए क्या होता है, जंग लग जाती है, वही संक्षारण है। मतलब ये धातु क्या होती है कि या तो अम्ल के संपर्क में आ जाए, है ना, एसिड डल जाए इस पे, या फिर ये जो बारिश के बाद की जो स्थितियां होती है ना आर्द्रता के संपर्क में आ जाए। तो जब कोई धातु अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आ जाती है तो उसकी जो ऊपरी परत होती है वो संक्षारित होने लगती है, यही शब्द लिखना आप संक्षारण में, संक्षारित होने लगती है, सिंपल शब्द है ना, तो वो संक्षारित होने लगती है, इसको हम कहते हैं संक्षारण। सिंपल है ना, कि जब कोई धातु अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उसकी ऊपरी परत धीरे धीरे संक्षारित, मतलब क्या होता है मालूम आपको, वो अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो धातु खाने लग जाती, धातु खत्म होने लग जाती है ना, तो उसको कहते हैं अपन संक्षारण। अब इसके रोकने के उपाय क्या है, अब इसको रोकने के उपाय बताइए, संक्षारण को रोकने के उपाय कि जंग नहीं लगना चाहिए, क्या करोगे, पेंट कर दो, क्या कर दो, पेंट करके, है ना, पेंट कर दो, यशद लेपन कर दो, यशद लेपन क्या होता है बताओ, यशद लेपन क्या होता है, यशद लेपन कर दो, पेंट कर दो, और बताओ तीसरा, एक हम कर देंगे इस पे
अच्छा लोहे की वस्तु पेंट क्यों करते? आपने कहा पेंट कर दो, यशद लेपन कर दो, दो ही तो उपाय बताना है, या तो मिश्र धातु बना दो, पेंट कर दो, यशद लेपन कर दो। लेकिन पेंट करते क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं? तो सिंपल जवाब लिखना, संक्षारण या जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, है ना, जंग से बचाने के लिए। क्योंकि जब वो क्या होगा, लोहे की वस्तु हमले आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है, उस पर जंग लग जाती है, तो जंग से बचाने के लिए हम उसको पेंट करते हैं, सिंपल, जंग से बचाने के लिए। लेकिन उसमें संक्षारण की ये वाली डेफिनेशन आप दे देना, ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।